हेलो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर की तरह आज भी मैं अपने फॉक्सवैगन पोलो सर्विस करवाने आया था लाली मोटर्स फॉक्सवैगन लुधियाना में। तो ये जो नई टर्म चली है बिल्ड क्वालिटी, पिछले 4-5 साल से ये हर गाड़ियों में यूज़ हो रही है टर्म और इतनी हाइप बनाई जा रही है इस बात की। बट आज मुझे था कि मैं आपसे डिस्कस करूं कि बिल्ड क्वालिटी की जब हम बात करते हैं और जब भी बिल्ड क्वालिटी की बात होती है तो फॉक्सवैगन का नाम या टाटा का नाम सबसे ऊपर आता है। तो मुझे था कि आज अगर हम आए हैं तो कुछ एक्सीडेंटेड गाड़ियां मैंने देखी यहां पे, तो एक गाड़ी सिर्फ परसों ही एक्सीडेंट हो के आई है और पता चला है कि वो लाली मोटर्स के जो पार्ट्स मैनेजर हैं उनकी गाड़ी है और परसों उनको एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी उनकी यही है और दोनों एक्सीडेंट जो उनकी वाइफ और वो खुद ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद बिल्कुल सेफली गाड़ी से बाहर आ गए। फॉक्सवैगन पोलो से बस के साथ उसकी टक्कर हुई, 80 पे गाड़ी थी उनकी। और मैं अभी आपको गाड़ी दिखाऊंगा कि कैसे वो उसकी गाड़ी की हालत है, फुट एरिया कैसा है, और तब आपको पता चलेगा कि सेफ्टी के क्या मायने होते हैं। क्योंकि हर किसी को लगता है कि मैं सेफली गाड़ी चलाता हूँ और मेरे साथ कभी कुछ नहीं होगा, पर जब होता है तो भगवान भी बचाता है और आपकी गाड़ी भी आपको बचाती है। 50-50% होती है दोनों चीज़ें। तो आओ देखिए गाड़ी कैसी है उनकी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये गाड़ी है उनकी। आप अगर आप ध्यान से देखो तो बम्पर एरिया बिल्कुल ठीक है, बोनट से इकट्ठी हो गई गाड़ी और ए पिलर तक जो है गाड़ी का इम्पैक्ट नहीं गया। मैं आपको दिखाता हूँ और आपको एक हंसी की बात बताता हूँ गाइस। परसों इनका एक्सीडेंट हुआ है और आज ये काम पे आए हैं आराम से बिल्कुल, क्योंकि मस्त बिल्कुल ही केम आउट परफेक्टली फ्रॉम दिस कार और ये बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे रिसेप्शनिस्ट ने ये चीज़ बताई है, क्योंकि मैंने जब जाके पूछा कि गाड़ी तो बिल्कुल फ्रेश लग रही है देखने में, तो ये कोई ताज़ा एक्सीडेंट हुआ लगता है। देन शी इन्फॉर्म मी कि ये पार्ट्स मैनेजर जो हैं इनके इंटरनल, उनकी ही गाड़ी है। तो जैसे कि आप ये ए पिलर तक आप देखिए, ए पिलर से इसका इम्पैक्ट अंदर नहीं गया, एयरबैग्स इन्फ्लेट हो गए बिल्कुल, दोनों एयरबैग्स इन्फ्लेट हुए। और मैंने फुट एरिया भी इसका देखा, फुट एरिया भी बिल्कुल इसका ठीक लग रहा था। फुट एरिया बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एयरबैग्स आपके हेड एरिया और चेस्ट एरिया तो बचाते हैं, बट फुट एरिया ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए फुट एरिया बिल्कुल ठीक है, अंदर कुछ भी जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो ये इम्पैक्ट आप देख सकते हो, बोनट इसका इकट्ठा हो गया है और जो ये इनके ए पिलर तक इम्पैक्ट इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि ये जो इन्होंने एक्स्ट्रा सेफ्टी देते हैं पिलर्स, ये बहुत ठोस लोहे के होते हैं, ये एक्स्ट्रा पिलर्स ने इम्पैक्ट ले लिया सारा। और अच्छी बात ये भी है कि अगर बोनट से गाड़ी इकट्ठी हुई है, बोनट से या इंजन से, तो सेंसर्स ने फिर भी एयरबैग्स को इन्फ्लेट किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि इनके इंटेलिजेंट तरीके से सेंसर्स लगाए गए हैं कि गाड़ी ऊपर टक्कर हुई है, नीचे वाला एरिया सेफ है बिल्कुल बम्पर वाला, बट स्टिल एयरबैग्स गॉट इन्फ्लेटेड। और आज ये अपना काम पे आए हैं यहाँ पे फॉक्सवैगन पे। गाड़ी के विंडशील्ड पे आर्मी लिखा हुआ है, बट मे बी हो सकता है गाड़ी इनके फादर की हो। बट दिस मैन केम टू वर्क टुडे एंड थोड़ी देर पहले ही वो इंस्पेक्शन भी कर रहे थे और गाड़ी टोटल लॉस में गई है। बट जो आज वो मुद्दा था सेफ्टी वाला, तो जो मैं बात कर रहा था कि जो सेफ्टी का मुद्दा है, इतनी फॉक्सवैगन की हाइप है सेफ्टी को लेके कि बहुत सेफ है, तो आज किसी का अगर लाइव नहीं कह सकते, अगर ताज़ा परसों एक्सीडेंट हुआ है और आज बंदा काम पर आया है तो इट्स अ बिग डील। तो भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, बट अगर होता भी है तो अगर उसके पास फॉक्सवैगन की गाड़ी है तो देर इज़ अ आउटसाइड चांस के वो ठीक बिल्कुल सही सलामत बाहर आ जाएगा। और डेफिनेटली इट्स एन एडवांटेज ओवर सम अदर कार्स जो Gncap में 2 स्टार्स या 3 स्टार्स लेके आती हैं। तो बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, जान बहुत कीमती है, हाथ पैर सलामत रहने बहुत ज़रूरी हैं, और कम से कम जो अगर भगवान ने 4 पैसे दिए हैं तो जो आप गाड़ी लेने का फैसला करते हो ना, तो प्लीज़ थोड़ी सी उसमें कॉमन सेंस लगा के करें। सर्विस कॉस्ट अगर 20-30% ज़्यादा है तो दैट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस अगर आप गाड़ी ले रहे हो। अदरवाइज भी अगर आप 8-10 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो सर्विस तो 6-7 हज़ार तो होगी, अगर इसकी 9-10 हज़ार है तो
इट्स वर्थ टेकिंग दैट रिस्क. जितनी ज़्यादा इस गाड़ी की सेल होगी, इन गाड़ियों की सेल होगी, फॉक्सवैगन की, टाटा की, उतने ही मैकेनिक्स को भी इसकी रिपेयर सीखनी पड़ेगी, स्पेयर पार्ट्स वालों को इनके पार्ट्स रखने पड़ेंगे, तो वो साइकिल सारा अपने आप चल पड़ेगा, रीसेल भी इनकी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. तो यही था मुझे आज दिखाना आपको कि सेफ्टी के अगर इसकी हाइप है तो हाइप पे ये खरी उतरी आज पूरी गाड़ी. थैंक्स गाइस.